बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोइन ज़ुबैर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोइन ज़ुबैर। आज आपके साथ अदाकार और कॉमेडियन आगा माजिद और सलीम अलबेला से मुतल्लिक खबर शेयर करने जा रहा हूं कि दोनों जो कॉमेडियंस हैं इनके साथ दुबई में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। ये नाखुशगवार वाक़या है क्या, उसकी तफसील आज की वीडियो में मैंने आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो आगा माजिद हैं और सलीम अलबेला हैं, ये दुबई में एक सियालकोट की सोसाइटी है उसकी एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उस तकरीब में आगा माजिद और सलीम अलबेला को स्टेज पर जैसे ही बुलाया गया तो दोनों ने आकर मुख्तलिफ़ किस्म की, जो आप कह सकते हैं कि कॉमेडी की वहाँ पर, और जुगतें लगाईं जो है लोगों को लगाईं। और वहाँ पर सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब दोनों कॉमेडियंस ने पठान बरादरी से मुतलिक जुगतबाजी शुरू कर दी। पठान बरादरी से मुतलिक जुगतबाजी जो थी वो काफ़ी देर तक जारी रही और उसके बाद उस तकरीब में एक शख्स उठा। उस शख्स का नाम है ज़मूरत बनूरी। ज़मूरत बनूरी साहब एक जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, K2 TV से इनका ताल्लुक है और बहुत ही अच्छी मुलाकात मेरी भी उनके साथ रही दुबई में। तो ज़मूरत बनूरी साहब उस वक्त स्टेज पर पहुंचे जब ये दो कॉमेडियंस आगा माजिद और सलीम अलबेला ये मिलकर जो खान बरादरी पठान बरादरी है उससे मुतलिक जुगत कर रहे थे। तो ज़मूरत बनूरी साहब ने स्टेज पर आकर इनसे पहले ये कहा कि आप दोनों पठान बरादरी से मुतलिक अपनी इस गुफ्तगू पर माफ़ी मांगे। तो सूरत हाल जब ना समझ सकी तो सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ गई, जिसके बाद स्टेज पर ये तमाम लोग आपस में खड़े हो गए। ये वीडियो भी आप इस वक्त देख रहे होंगे। और ज़मूरत बनूरी साहब ने आगा माजिद और सलीम अलबेला से ये कहा कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम आपको दुबई पुलिस से जल्द हम रिज्यू कर लेंगे और आपके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त देंगे। तो ज़मूरत बनूरी साहब की इस बात को सुनते हुए वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस देखने में आई, लेकिन सलीम अलबेला आगा माजिद ने तो उसी वक्त माफ़ी मांग ली, लेकिन सलीम अलबेला जो हैं वो माफ़ी मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही आगा माजिद के कहने पर सलीम अलबेला ने भी तकरीब में जितने लोग थे उनसे और पठान बरादरी से जो है वो माजत की। पाकिस्तान के जो कॉमेडियंस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं और इस तकरीब से मुतल्लिक मज़ीद ये कि इस तकरीब में सिर्फ आगा माजिद और सलीम अलबेला नहीं थे बल्कि बताया ही जा रहा है कि रैम्बो और साहिबा भी मौजूद थे। और उस तकरीब में क्योंकि वीडियो जितनी हमारे तक मौसूल हुई है उससे मुतल्लिक ही हम आपको तफसीलात दे रहे हैं, और जो हमारी दुबई में कुछ सहाफ़ियों से बात हुई उनसे भी जो मालूमात हमने हासिल की हैं उससे मुतल्लिक ही तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ज़मूरत बनूरी साहब से भी हम राबता करने की जल्द कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस जो वहाँ पर दुबई में नाखुशगवार वाक़या ये पेश आया है उसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। इस मामले से मुतल्लिक जो मज़ीद तफसीलात होंगी हम कोशिश करेंगे आपको उससे मुतल्लिक भी आगाह करते रहें। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।